हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के स्टार रिकॉर्डिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस एनर्जी में है ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है कंपैरिजन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द फूल, पॉसिबिलिटीज, पास्ट लाइव्स एंड अवेयरनेस। ओके व्यूअर्स, तो हमें ये कार्ड्स मिले हैं और हम यहाँ ना आपके लिए कुछ एंजल्स आंसर भी देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, तो एंजल्स आंसर भी निकालेंगे। बट अभी बात कर लेते हैं इन कार्ड्स पर और देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी थिंकिंग क्या है इस वक्त आपको लेकर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है वो आया है कंपैरिजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आपका पर्सन आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के मामले में कंपेयर करता रहा है, बहुत सारे ऐसे शिकायतें इस पर्सन को आपसे रही हैं। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे कोई ज़्यादा ही प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, केयर एक्सपेक्ट करते हैं और आप इस पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें करें जो ये पर्सन ना एक ख्वाब देखता रहा है। पास्ट लाइव्स में इस पर्सन की जो कुछ भी इस पर्सन के साथ हुआ है ना, वो कुछ भी सही नहीं रहा ऐसा भी लगता है। इसीलिए जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हैं ना, तो इसकी एक्सपेक्टेशंस ना आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस पर आप शायद नहीं पूरा उतर पाए, इसका दुख इस पर्सन को है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान इस पर्सन को ना अच्छे से समझ नहीं पाता। और ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये आप दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, आपकी आपके पार्टनर की, तो वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज़। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त ये पर्सन ना जो सोच रहा है वो सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो विचार इस पर्सन के मन में आ रहा है वो ये है कि ये न्यू बिगिनिंग करे इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों डिस्टेंस पर बने हुए हैं, आप दोनों की अभी बात नहीं हो रही है ना, तो जब से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे दूरी बनाई है, तो ये काफ़ी बेकरार हैं। तो ये जो बेकरारी इस पर्सन में बढ़ गई है, आपसे दूर होने से बढ़ी है। अब ये पर्सन आपके लिए ना कुछ करने के बारे में सोच रहा है और न्यू बिगनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है आपसे, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड हमारे पास आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में न्यू बिगनिंग चाहता है और ज़्यादा सोच समझ कर अब इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब ये चाहता है कि जो कुछ भी करे ना ये पर्सन आपके इसके लिए भला हो और अब ज़्यादा सोच समझने के चक्कर में ये पर्सन पढ़ना नहीं चाहता। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें ये ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके करते हैं ना, उन चीज़ों में भी इस पर्सन को लॉस ही हुआ है। तो क्यों ना अब ज़्यादा सोचा नहीं जाए और बिना सोचे समझे ही अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते हैं तो भी ठीक है और अगर नहीं उतरते हैं ना तो भी एक चांस और लेकर देखा जाए। तो ऐसा ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं इस वक्त ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को ना आपके इनके रिलेशनशिप में फिर से पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लग गई हैं। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो प्यार, सपोर्ट और रिस्पेक्ट आपसे मिलकर इस पर्सन को मिली है वो कहीं से इतनी भी नहीं मिली। तो ये पर्सन जब कंपेयर कर रहे हैं ना आपको दूसरों के साथ में, तो इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इस पर्सन की, आपके दिल में जो प्यार है इस पर्सन के लिए ना काफ़ी तो है, बट हाँ जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट किया जाए और जीवन की जर्नी को आपके साथ में ही कम्प्लीट किया जाए। तो ऐसा कुछ ये पर्सन सोच रहे हैं, इसीलिए इस पर्सन ने आपके इनके रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ ली हैं। अभी ये पर्सन ज़्यादा सोचने के समझने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, बस एक नई शुरुआत कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के कदम बढ़ते गए हैं आपकी तरफ, बट यहाँ पर ना इस पर्सन को इसका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना वो रोक रहा है। तो देख रहा है ना यहाँ पर द फूल के साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ है और पॉसिबिलिटीज़ के बाद जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है पास्ट लाइव्स। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन इस पर्सन का पास्ट में रहा है जिसकी वजह से ये बढ़ते कदमों को भी रोक लेता है पर्सन, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश कि वही पर्सन इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आ जाए और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करें। तो ऐसा भी इस पर्सन के मन में ख्याल आता है और वो ये ख्याल ही है इस पर्सन के बढ़ते कदमों को रोक लेता है। ये पर्सन फिर से कंपेयर करने लग जाता है आपको अपने पास्ट लवर के साथ में। तो यहाँ पर ये चीज़ इस पर्सन के मन में, दिल दिमाग में चलती रहती है और ये पर्सन इन दोनों ही बातों के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़ होकर रह गए हैं कि आपके साथ में आगे बढ़ जाएँ, फैसला भी ले लेते हैं, कदम भी आगे बढ़ा देते हैं, फिर से अपने कदम पीछे ले लेते हैं,
फिर से कंपेयर करने लग जाते हैं आपको अपने पास लवर के साथ में, तो ये चीज़ इस पर्सन के दिल में दिमाग में चलती रहती है और ये दोनों ही बातों के बारे में सोचते हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में भी और पास्ट लाइफ कनेक्शन के वापस लौट के आने के बारे में भी सोचते रहते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर इसने फिर से आपके साथ में इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका पास्ट लवर वापस आए तो इस पर्सन को आपके साथ में देखकर फिर से वो चला ना जाए। तो ये पर्सन ना बस इंतज़ार ही कर रहा है उसके लौट के आने का, ऐसा भी यहाँ लग रहा है इस वक्त भी इस पर्सन को इंतज़ार है इसके पास लवर के लौट के आने का। और अगर कभी भी ये पर्सन ना को ऐसा लगा कि कभी भी वो पर्सन इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा और ये पर्सन अकेला रह जाएगा, तो फिर ये आपके लिए ना बिना सोचे समझे कदम जब बढ़ाएगा ना, तो फिर आपके साथ में इस नई रिलेशनशिप को स्टार्ट करके रहेगा, फिर से नई शुरुआत करके रहेगा। तो ये जो भी इस पर्सन के मन में एक डाउट है ना कि कहीं से वो वापस आ जाए, तो जब तक ये उम्मीद इस पर्सन को बनी हुई है ये आपके साथ में इसी तरह ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने रहेंगे। आपको पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे पाएगा ये पर्सन, इसी तरह अपने बढ़ते कदमों को रोकता रहेगा, कदम आगे बढ़ाएगा पीछे ले लेगा, फुल आपके साथ में ना सपोर्ट नहीं दिखाएगा इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है इस पर्सन में अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइव्स के साथ साथ हमारे पास अवेयरनेस आया है तो ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये पर्सन इतना अवेयर ही नहीं है रिश्तों को लेकर, इस पर्सन में इतनी समझ ही नहीं है रिश्तों को लेकर, कौन अपना है कौन पराया है ये पर्सन इस बात को अच्छे से समझ ही नहीं पाता है। इस पर्सन को आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इतनी केयर की इस पर्सन की, पर इस पर्सन ने आपके साथ में क्या किया, धोखा और फरेब भी किया ना, तो ये पर्सन रिश्तों को अच्छे से नहीं समझ पाता है, इंसानों को नहीं समझ पाता, इसीलिए आप जैसे प्यारे इंसान की कदर नहीं की इस पर्सन ने। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा जो आप देख पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं अपने पर्सन को माफ़ करके इसके साथ में एक नई शुरुआत करना, बट ये पर्सन अभी भी अटका हुआ है, कहीं ना कहीं हैंग्ड होकर रह गया है इस पर्सन का माइंड। अगर इसमें कुछ अवेयरनेस आ भी रही है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके लिए वही पास्ट लवर ठीक है, तो ऐसा भी ये कंपेयर करके देखते हैं आपको अपने पास्ट लवर के साथ में। इस पर्सन को पता है कि आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत केयर की है, बहुत प्यार भी दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है इस पर्सन को, हर कदम कदम पर इस पर्सन का साथ दिया है, इसके बावजूद भी इस पर्सन का जो माइंड हैंग्ड होकर रह गया है ना, उस पर्सन पर अटक कर रह गया है, यही वो चीज़ है जो इसको आपके करीब आने से रोक लेती है, पूरी तरह से जस्टिस देने से रोक लेती है, ये आपके साथ में इंसाफ नहीं कर पाता इन्हीं सारी चीज़ों के रहते। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, इस वक्त भी ये पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि लगातार ये आपके बारे में सोचते नहीं है, लगातार मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, इसलिए भी ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, भले ही ये पर्सन आपके साथ हों या फिर आपसे दूर हों, सोचते ही आपके बारे में है, क्योंकि आपके लिए जो फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में है ना, ये अपने दिल से उन फीलिंग्स को निकाल ही नहीं पा रहे हैं और कोई एक डिसीज़न पर कायम भी नहीं रह पा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, और कंपैरिजन लगातार इस पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त भी चल रहा है। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त तो ये पर्सन यही सब सोच रहा है आपके बारे में। और चलिए निकाल लेते हैं एंजल्स आंसर कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे पर्सन के साथ में स्टक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हमें मिल गया है अबंडेंस, तो कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है तो उसे ले लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी इन कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक और कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद पूरी क्लैरिटी लाते हैं इस रीडिंग में और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या है आपके सवाल का जवाब, क्या आपको इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है यू आर रेडी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एंजल्स जैसे कि आपसे कह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन दोबारा रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आता है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इतना बुरा इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्टक होकर रह गया है अपने पास्ट में, इस वजह से ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों की रिलेशनशिप में बनी हुई है। बट ये पर्सन जब एक बार अगर डिसाइड कर लेगा कि हाँ इसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है इसे, किसके साथ में इस ज़िंदगी के सफ़र को कम्प्लीट करना है, तो फिर ये परमानेंट आपकी लाइफ में रह भी जाएंगे, आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे। क्योंकि यहाँ पर ना यू आर रेडी के साथ साथ हमारे पास अबंडेंस आया है और गेट मोर इन्फॉर्मेशन आया है, तो इस पर्सन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन रखें और इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते रहें, ताकि आपको भी थोड़ा सा नॉलेज रहे कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है और इस पर्सन के साथ में अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर अबंडेंस भी आती हुई नज़र आ रही है और इस
फरसिंगी लौटकर आने के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। आपको ख़ुद को तैयार रखना है हर सिचुएशन से डील करने के लिए। अगर ये पर्सन रिटर्न आता है, आपसे कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, तो आप उनको क्लैरिटी दें। और इस रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं, आपका दिल कहता है, आपको इस पर्सन के साथ में कोई कनेक्शन ऐसा फील होता है कि आप सारी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ में रह सकते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के वापस आने की, तो यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग का सोच तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्टक है अपनी पास्ट लाइफ में। अगर इस पर्सन ने अपने बढ़ते कदमों को नहीं रोका, ये आपकी तरफ अपना कदम बढ़ा लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं, आपके लिए डिसाइड कर लेते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, तो आप इस पर्सन के साथ में इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए ख़ुद को तैयार रखें, ख़ुद को रेडी रखें। और कभी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी अदर पर्सन को नहीं रखें। ये पर्सन भी अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचाता है, आपको ठेस पहुंचाता है, आपके दिल के साथ में खेलने की कोशिश करता है, तो आप इस पर्सन से मूव ऑन भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एंजल्स आंसर आए हैं, वो हमें यही गाइड कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आते हैं, तो सबसे पहले आप इस पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि ये अपने पास्ट में क्या करते रहे हैं और क्या कुछ करके आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में रिटर्न। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, और आप ख़ुद को तैयार रखें हर सिचुएशन में ख़ुद को ढालने के लिए। और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अबंडस आकर रहेगी। आप इस पर्सन के साथ में रहें तो भी आपकी ज़िंदगी में अबंडस आएगी, और अगर किसी न्यू पार्टनर के साथ में आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को तय करना चाहते हैं, उसके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में अबंडस तो आकर रहेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है। आपकी ज़िंदगी के जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, बहुत जल्द दूर होने वाले हैं। यहाँ पर एंजल्स हमें यही गाइड कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।